अपडेट करेंगे आपको बैरिस्टर गौहर की जानिब से। बानी पीटीआई से मुलाकात की दरख्वास्त का मामला, तर्जुमान वजारत दाखिला ने कहा है कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दरख्वास्त का जायजा लेने के लिए यकीन दहानी करा दी है। ताहम एससीओ इजलास सिक्योरिटी के पेश नज़र जेल में तमाम कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी है। अपडेट कर रहे हैं आपको, इस हवाले से अहम पेशरफ्त है। वजीर दाखिला से बैरिस्टर गौहर अली की टेलीफोनिक गुफ्तगु हुई है, जिसमें जो बात की गई है वो आपके सामने इस वक्त हम रख रहे हैं। वजीर दाखिला ने दरख्वास्त का जायजा लेने की यकीन दहानी करा दी है। बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त का मामला, तर्जुमान वजारत दाखिला ने कहा है कि गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वजीर दाखिला से बैरिस्टर गौहर अली की टेलीफोन पर बात हुई। वजीर दाखिला ने दरख्वास्त का जायजा लेने की यकीन दहानी कराई, मगर मुलाकात की इजाज़त की यकीन दहानी नहीं कराई, क्योंकि एससीओ सरबराही कॉन्फ्रेंस और सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र जेल में तमाम कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी है और किसी एक कैदी को मुलाकात की इजाज़त देना दीगर कैदियों के साथ दोहरे मयार और इम्तियाजी सलूक के जुमरे में आएगा। बैरिस्टर गौहर अली खान ने वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को खत लिखा था, जिसमें बानी पीटीआई से मुलाकात की दरख्वास्त की गई थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।